नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की जानिब से पेश है छठी जमात की उर्दू की मुआविन दर्शक किताब उर्दू गुलदस्ता में शामिल लोक कहानियां। इस प्रोग्राम में पेश खिदमत है यूनान की एक लोक कहानी, तीन कछुए। एक मर्तबा का जिक्र है कि तीन कछुए पानी में रहते रहते थक गए। उन्होंने सोचा कि पहाड़ों की सैर करना चाहिए, जहां देवता रहते हैं, जहां हर वक्त शांति और सन्नाटा रहता है, जहां समंदर जैसे तूफान नहीं आते। ये सोचकर तीनों कछुए पहाड़ की सैर के लिए निकल पड़े। उन्होंने अपने साथ अपने खाने का बहुत सा सामान लिया। उनका सफर बहुत लंबा था, क्योंकि समंदर से पहाड़ का फासला सैकड़ों मील का था। फिर ये कि कछुए जरा रेंग कर भी तो चलते हैं। मगर ये तो आप जानते हैं कि कछुए बड़े मुस्तकिल मिजाज होते हैं। आपने सुना होगा कि एक बार एक कछुए ने अपनी मुस्तकिल मिजाजी से एक खरगोश को दौड़ में हरा दिया था और लोगों को ये सबक दिया था कि आदमी भी चाहे तो मुस्तकिल मिजाजी से अपने मकसद में कामयाब हो सकता है। हाँ, तो मैं कह रही थी कि ये तीनों ही कछुए पहाड़ की तरफ चल पड़े। चलते रहे, चलते रहे। रास्ता लंबा था और हर तरफ झाड़ झंकार, लेकिन वो कछुए भी धुन के पक्के थे। वो हर तकलीफ का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते चले गए। बिलाखिर उनको पहाड़ दिखाई दिए, जिनकी चोटी बर्फ से ढकी हुई थी। उनको यहां पहुंचते पहुंचते 20 साल गुजर गए थे। इतने दिन के बाद जो उन्हें मंजिल दिखाई दी, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना न था। उन्होंने पहाड़ के दामन में एक बहुत अच्छी जगह पसंद की और सोचा कि यहां कुछ दिन आराम करें और इस शांति के स्थान का कुछ मजा लूटें। उन्हें ये जगह बहुत पसंद आई। हवा भी हल्के हल्के चल रही थी। यूं तो सर्दी का जमाना था, लेकिन कछुए की खाल इतनी मोटी और इतनी सख्त होती है कि फौलाद ही इसका मुकाबला कर सकता है। इसलिए इसमें सर्दी का असर नहीं होता। बर्फीली हवाएं आती तो कछुए अपना मुंह अपनी मोटी
फौलाद जैसी खाल में छुपा लेते और उन्हें पता भी नहीं चलता कि हवा कितनी ठंडी है। उनको यहां पहाड़ के दामन में बहुत अच्छा लगा और इस बात पर हैरत हुई कि आदमी भी कैसा मूर्ख है कि इतनी अच्छी जगह छोड़कर समंदर में घूमता फिरता है। उनको बहुत जोर की भूख लगी। उन्होंने सोचा कि खाना खाना चाहिए। ये सोचकर उन्होंने अपना अपना खाना निकाला। और बहुत से बड़े बड़े पत्ते इकट्ठे किए और फिर बड़े सलीके से उन पत्तों पर अपना खाना निकाला। लेकिन जब खाना खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो देखा यहां पर तो पानी का नामो निशान भी नहीं। हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। तब उन्हें ख्याल आया कि अब खाने के बाद पानी कैसे पिएंगे? फिर अगर पास पड़ोस में पानी मिला भी तो पता नहीं कैसा हो। उनकी आदत तो समंदर का पानी पीने की थी। उससे ही उनका खाना हजम होता था। तीनों कछुए सोच में पड़ गए। उनकी कुछ समझ में ना आया कि क्या किया जाए। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आखिर एक दूसरे से कहने लगे। बड़ा कछुआ बोला, मंझले कछुए, तुम जाओ और समंदर से जाकर पानी ले आओ, फिर इत्मीनान से बैठकर खाएंगे। मझला कछुआ बोला, मेरी तो राय ये है कि छोटे कछुए को जाना चाहिए। वो इस वक्त भी खासा चुस्त तो चालाक मालूम होता है। मैं तो इस वक्त बहुत थक गया हूँ। छोटे कछुए ने बहुत आनाकानी की, मगर वो दोनों उसके पीछे पड़ गए। और उसकी एक ना चली। आखिर मजबूर होकर छोटे कछुए को उनकी बात माननी पड़ी। वो बोला, मैं चला तो जाऊं, मगर मुझे यकीन है कि मेरे जाने के बाद तुम मेरा इंतजार किए बगैर खाना चट कर जाओगे। और जब मैं आऊंगा तो उस वक्त मुझे खाना भी मिलेगा तो वो भी झूठा होगा। दोनों कछुओं ने कहा, अरे ये कैसे हो सकता है? हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। छोटा कछुआ संजीदगी से बोला, जी हाँ जरूर करोगे। मुझे तो यकीन है
कि तुम हरगिज हरगिज मेरा इंतजार ना करोगे। मगर दोनों कछुओं ने बड़ी खुशामद की। और उससे खूब पक्का वादा कर लिया कि जब तक तुम न आओगे हम खाने में हाथ न डालेंगे। आखिरकार मजबूर होकर छोटा कछुआ चला गया। अब बाकी दोनों कछुए बैठे इंतजार करते रहे। इंतजार करते करते महीने गुजर गए, साल गुजर गए, 10 साल गुजरे, 20 साल गुजरे, 30 साल गुजरे, 40 साल गुजरे, 50 साल गुजरे, यहां तक के 100 साल गुजरे। 100 साल गुजर गए मगर छोटे कछुए को न आना था न आया। अब तो उन दोनों का मारे भूख के बुरा हाल हो गया। उन दोनों को यकीन हो गया कि जरूर कोई ना कोई हादसा पेश आया है, वरना कोई वजह नहीं थी कि छोटा कछुआ पानी लेकर ना आ जाता। उन्होंने सोचा कि अब ज्यादा इंतजार करने से कोई फायदा नहीं। अगर उसको आना होता तो अब तक आ जाता। आखिर भूख से बेकाबू होकर उन दोनों कछुओं ने खाने में हाथ डाला। अभी उन्होंने खाना खाया भी न था कि छोटा कछुआ चट्टान के पीछे से कूदता हुआ आया और बोला, मैं जानता था कि तुम दोनों हरगिज हरगिज मेरा इंतजार ना करोगे। मैंने पहले ही कहा था, इसीलिए तो मैं गया ही नहीं था। यही बैठा हुआ देख रहा था। दोनों कछुए भौचक्का रह गए। लेकिन कहते तो क्या कहते। तीन कछुए। अभी आप सुन रहे थे ये लोक कहानी। एकेडमिक गाइडेंस डॉक्टर मोहम्मद नोमान खां, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर डॉक्टर चमन आरा, असिस्टेंट्स अब्दुल हक, फनकार मंजू मैनी, राम मैनी, एम आजम शाह और अर्जुमंद अली खां, प्रोडक्शन हेड प्रभुदयाल खट्टर, रिकॉर्डिस्ट दीपक पांडे, असिस्टेंट्स इन प्रोडक्शन दाऊदयाल चतुर्वेदी और प्रोड्यूसर रमेश रानी शर्मा।